नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है जाने माने चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख, जो कि सी वोटर के फाउंडर भी हैं और अमेरिकी चुनाव पर लंबे समय से नजर रख रहे हैं, उसके एक्सपर्ट भी हैं। यशवंत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। तो अमेरिकी चुनाव पर जो हमारी चर्चा है उसके सिलसिले में आज हम बात करेंगे। अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं उनमें जो पहली बहस हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है, वो किस तरह के संकेत देता है और उसके क्या असर पड़ सकते हैं मतदाताओं पर, आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यशवंत जी, जो पहली डिबेट हुई है वो बड़ी, उसको लेकर गहरी निराशा में देख रहा था कि वहाँ के जो तमाम वेबसाइट्स हैं, अखबार हैं, वो बड़े निराशा से भरे हुए हैं और इसे यहाँ तक कि शर्मनाक कह रहे हैं। ऐतिहासिक शर्मनाक थी ये डिबेट, अमेरिका के पूरे इतिहास में इस तरह की गंध भरी डिबेट कभी नहीं हुई। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस बारे में? मुझे तो ऐसा लगा कि ट्रंप साहब इंडिया आए और कुछ लेके गए ना गए, लेकिन भारतीय समाचार चैनलों की डिबेट पद्धति को जरूर अमेरिका उठा करके चले गए लेकर। निस्संदेह मुकेश जी, पिछले 20 सालों में कई डिबेट्स देख ली सीधे तौर पर परोक्ष रूप से। अमेरिकी चुनाव में के लिहाज से वहां के लोगों को झटका लगना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पे डिबेट का जो स्वरूप होता रहा है वो काफी सुलझा हुआ, सदा मुद्दों पे आधारित, बहुत ज्यादा एक दूसरे को टोका टोकी किए बगैर, अपशब्दों का प्रयोग किए बगैर, मतलब हर तरीके से। और इस मामले में कल की डिबेट का ऐसा लगा कि स्तर कुछ लगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तय कर दिया था, और कुछ हद तक मुझे लगा कि जो बाइडेन साहब भी उस लेवल पे चले गए। हालांकि वो काफी समय तक संयत रहे, लेकिन उन्होंने भी उनको ट्रंप को जोकर से लेकर के शटअप तक सभी कुछ बोल दिया, कुछ पुतिन का कुत्ता भी करार दिया उनको, पुतिन का पुल्ला भी करार दिया। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे सब आवाज में काफी देर तक ये पढ़ता रहा कि अमेरिका में जो जो पुराने वहां के पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं, उन सब ने आज उस डिबेट के बाद में क्या लिखा। थोड़ा कंटेंट पढ़ने की मुझे उम्मीद थी, हालांकि मुझे उसमें थोड़ी निराशा लगी। निराशा इस बात की हुई कि एक तो मॉरल हाई स्टैंड लेकर के बहुत सारे पत्रकारों ने पल्ला झाड़ा, जैसा आपने बोला कि ये किस तरीके की गलीज हो गई डिबेट और ये दुखद है, ये उस तरीके से, और उसको उस चीज का मातम मनाने के चक्कर में समाव मुझे ये नहीं समझ, जो उसकी एक एनालिसिस होती है ना कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उस चीज के ऊपर ऐसा लगा कि ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यशवंत, यहाँ मैं थॉमस फ्रीडमैन जो कि मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनका उन्होंने जो टिप्पणी लिखी उसमें से थोड़ा सा उद्धृत करना चाहता हूँ। लिख रहे हैं, अवर डेमोक्रेसी इज इन टेरिबल डेंजर मोर देन सिंस द सिविल वॉर, मोर देन आफ्टर पर्ल हार्बर, मोर देन ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। मतलब इतनी बड़ी क्राइसिस है डेमोक्रेसी के लिए, इतना बड़ा खतरा है जो इस डिबेट से निकल कर सामने आ रहा है, वो इसको महसूस कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ये महसूस हर सेंसिबल इंसान को हो रहा है, केवल उसमें महसूस करने के साथ में उसके डिग्री कितनी है इंटेंसिटी की, इसके ऊपर एक महसूस इस बात के लिए वो खतरा कर रहे हैं कि ये इस हालत ये पहुंच गई है, इस तरीके का बंटवारा हो गया है, इतना पोलराइजेशन हो गया है, ये खतरा, ये महसूस करने लायक दुखद चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा खतरा या ज्यादा बड़ी समस्या उन लोगों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं मुकेश जी, ये समस्या नहीं है अमेरिका की। समस्या ये है कि आज भी गई मरी हालत में भी 40% अमेरिका उनकी बातों से सहमत है। समस्या अमेरिका की ये है, और अभी भी मुझे लगता है कि जो 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 सामाजिक ताने बाने को विध्वंस करने का दुख ये होना चाहिए हर सेंसिबल इंसान को, लेकिन उसमें समस्या डोनाल्ड ट्रंप हो या डोनाल्ड ट्रंप के चश्मे से उस समस्या को देखा जाए, ये दिक्कत है वहां पे। जो समझने की बात यह है कि अमेरिका, जो कि दुनिया में लिबरल मुल्कों का सिरमौर माना जाता था, बेसिकली लिबर्टी के लिए, अमेरिका की स्थापना लिबर्टी के आधार पे हुई,
लिबरलिज्म के लिए जो जिसे एक कहा जाए संविधान वहां का उस तरीके से लिखा गया, उस अमेरिका में क्या कारण है, क्या कारण है कि 40% से ज्यादा लोग इस हद तक दिमाग से बंद हो जाएं कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई बातों में कोई गलती नजर ना आए। कुछ तो कहीं पे कुछ ऐसा फंडामेंटली गलत हुआ है। के आधार पर आप दोनों कैंडिडेट के दिमाग को पढ़ना चाहें, उनको उनको मेजर करना चाहें, तो ट्रंप ने जिस तरह से पेश आए इस डिबेट में या बाइडेन ने जिस तरह से जवाब दिए उसके आधार पर क्या राय बनाई जाए। ट्रंप ने बिल्कुल, ये कहा जाता है कि इस तरह की डिबेट के नियम कानून पहले से तय हो जाते हैं, उसके उसको पर दोनों कैंडिडेट को स्टिक करना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने उन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी और बीच में इतनी टोका टाकी की कि वो डिबेट बेमानी हो गई। तो ये व्यवहार है सार्वजनिक स्तर पर, जब दुनिया इस डिबेट को देख रही है और ट्रंप साहब इस तरह से पेश आ रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके बारे में भी राय बन रही है। जी मुकेश जी, मैं इसका आकलन एक पोलस्टर के नाते मैं करना चाहूंगा, और इस डिबेट की जरूरत या डिबेट से क्या अंदाजा, डिबेट से क्या इम्पैक्ट होने की संभावना, हम बोले हम लोगों का पूरा ध्यान इस पर रहता है कि ये डिबेट्स इस नाते महत्वपूर्ण हैं कि जो अनिश्चित मतदाता हैं वो अपना निर्णय बना सके। मुझे लगता है इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए बुरी तरीके से, मैं फेल इस मामले में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कल की डिबेट देखने के बाद में कोई अनिश्चित मतदाता उनकी ओर स्विंग किया। हाँ, इतना जरूर है अगर उनका एम पहली डिबेट से केवल इतना था कि वो अपने ही बेस को कंप्लीटली सील कर दें, निश्चित कर दें, तो उसमें वो हो सकता है सफल हो गए होंगे, लेकिन स्विंग वोट या ग्रे वोट या अनडिसाइडेड वोट ये ट्रंप साहब की ओर तो कतई नहीं गया, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ हद तक मेरा मानना है कि इस मामले में जो बाइडेन भी फेल रहे, मुझे नहीं लगता कि उनकी भी बातों की तकरीर में या उनके जो पूरा उनका वो था उसमें कोई अनिश्चित मतदाता बहुत ज्यादा स्विंग हो गया होगा उनकी ओर, ऐसा भी मुझे नहीं लगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो ट्रंप से घृणा करते हैं वो और जोर से घृणा करने लगे हैं कल की डिबेट के बाद, और जो ट्रंप में कुछ भी गलती नहीं पाते वो और भी ज्यादा मजबूती से आ गए। ऐसे में अभी दो डिबेट जो और बाकी हैं, शायद उसमें मुद्दों की बात हो, जो अनिश्चित मतदाता है उसको अभी भी मुद्दों पे ठीक ढंग से उसको अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। देखिए मुकेश जी, पूरे इसमें आपने मुझसे सवाल पूछा कि इन दोनों की बातचीत से क्या आकलन होगा कि कौन जीता कौन हारा। अगर आप एक सेंसिबल ऑडियंस की तरह बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जो बाइडेन भारी पड़े, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगहों पे जहां ट्रंप शाह साहब को धराशाही किया जा सकता था, उन जगहों पे थोड़ा सा वो कच्चे पड़ गए बाइडेन साहब। कोरोना वाली क्राइसिस के ऊपर एक तो जितना घेरा उन्होंने वही उनका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट था, जिस जगह पे वो सीधे अमेरिकी जनता से मुखातिब होकर के कहने लगे कि आपको वोट डालना चाहिए निकलना चाहिए, वो उनका मेरे ख्याल से एक प्लस पॉइंट था उस चीज में। बाकी उनकी बॉडी लैंग्वेज में जिस तरह से वो सिर हिला रहे थे ट्रंप के उकसावट के ऊपर, उकसाने के ऊपर सब पे, मुझे लगता है कि जो ट्रंप को नहीं चाहने वाले लोग हैं वो भी वैसे ही सिर हिला रहे होंगे, तो इसलिए बाइडेन साहब भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस चीज को ले गए। दो जगहों पे जहां उनसे मुझे लगता है थोड़ी कमी हुई, एक तो उनका बड़ा जबरदस्त पंच होने वाला था जब वो अपने बेटे की मृत्यु के ऊपर, और चूंकि उनके बेटे सेना में थे और हालांकि उनकी बेटे की मृत्यु कैंसर से हुई, लेकिन जो ट्रंप साहब ने एक बयान दिया था या ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बयान दिया था कि जो मारे गए सैनिक वो लूजर्स थे, इस तरीके की बात, उसके ऊपर बहुत क्लासिकली तरीके से जो बाइडेन ने घेरा था, और उन्होंने अपने बेटे को ला करके उनकी बेटे की मृत्यु को एक तरीके से बहुत बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंटल नब्ज के ऊपर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप ने उस चीज को आगे बढ़ने से पहले ही उनके दूसरे बेटे के मसले को ला करके बहुत
तेजी से तोपा और वो मामला ठुस हो गया, उस चीज में वो मार खा गए। वहां पे मुझे लगता है कि शायद उनको और ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज के ऊपर नॉकआउट करना चाहिए था। तीसरा, जो बाइडेन की गलती नहीं थी मुकेश जी, जो इनकम टैक्स वाले मसले थे उसके ऊपर चूंकि फॉक्स न्यूज के एंकर देखे मॉडरेट कर रहे थे, फॉक्स न्यूज वहां का एक तरह से राइट विंग चैनल है, खुलेआम राइट विंग चैनल है, हालांकि वो जो एंकर हैं उनके बारे में ये नहीं कहा जाता कि वो बंद दिमाग के हैं, लेकिन एक एनवायरमेंट का अंतर पड़ता है। मुझे समय ऐसा लगा कि इनकम टैक्स के मसले पर जो एंकर थे उन्होंने बहुत ढील दे दी। जितना ज्यादा हमको उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप जम के कसे जाएंगे इनकम टैक्स वाले उसके ऊपर, उस पर ना तो एंकर ने कसा और सरप्राइजिंगली जो बाइडन ने भी उतना नहीं कसा या नहीं कस पाए, जो भी हो, तो वो थोड़ा हल्का पड़ गया। आने वाले समय में हो सकता है उसके ऊपर जब दूसरे नेटवर्क्स पे जाएं जो कि राइट विंग नहीं होंगे, वो शायद सेंट्रिस्ट होंगे और हो सकता है लेफ्ट ऑफ सेंटर भी हों, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर उनको ये मुरव्वत नहीं दी जाएगी, तो हो सकता है कि उस समय वो ज्यादा तकलीफ में नजर आए इन सवालों के। लेकिन यशवंत जी, क्वेश्चन तो ये किए जा रहे हैं कि इस तरह की डिबेट में बाइडेन को भाग लेना चाहिए अगली डिबेट्स में या नहीं, या फिर सारे रूल्स फिर से डिस्कस करके उस डिबेट में जाना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन मैं देख रहा था पॉलिटिको जो। ये मौलिक सवाल है, क्योंकि ट्रंप साहब से उम्मीद करना या उनपे ये विश्वास करना कि वो नियम कानून के तहत मान के सज्जनता से और शालीनता से डिबेट करेंगे, ये उम्मीद ही रखना मूर्खतापूर्ण। या तो आप मत जाइए या इस उम्मीद से मत जाइए, अपनी ये तैयारी करके जाइए कि ये इंसान ऐसा ही है, ये ऐसे ही ट्रीट करेगा और मुझे इसको टैकल ऐसे करना है। तो ये उम्मीद ही गलत है कि वो सोचे कि हमने तो तय किया था और ट्रंप साहब उसके अंदर बैटिंग करेंगे। ट्रंप साहब केवल और केवल अपनी सुविधाजनक पिच के ऊपर बैटिंग करते हैं, वो किसी की नियम कानून की मानने वालों में से इंसान नहीं है। नहीं, तो लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर इस तरह की डिबेट में बाइडेन जाएंगे तो उनको डैमेज कर सकता है, और अगर डैमेज कर सकता है तो वो अवॉइड करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि ये जो पहली डिबेट थी कमोबेश दोनों के स्तर पर बराबर रही है और बाइडेन को अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए अगली डिबेट से? मुझे लगता है कि बाइडेन साहब को अगली डिबेट्स में जरूर जाना चाहिए, लेकिन उनकी तैयारियों में एक देखिए, ट्रंप जो है टोका टोकी के चैंपियन है, और उस टोका टोकी से निकलने का एक ही तरीका है कि जिस समय ट्रंप बोल रहे हो उस समय बिल्कुल शांत हो जाएं, कहीं से भी ना टोकें, और उसके बाद में एंकर को बोले कि अगर मेरे बीच में बोला गया तो मैं डिबेट नहीं करूंगा, और ये एंकर और नेटवर्क के ऊपर छोड़ें कि ट्रंप, क्योंकि अगर ट्रंप से निपटना है तो ट्रंप को बहुत साफ बोलना पड़ेगा कि आपने 2 मिनट बोल लिया, अगले 2 मिनट आप चुप रहेंगे, और अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो आपका वॉल्यूम हम म्यूट कर देंगे। शठे शाठ्यम समाचरे, जब तक आप उसकी भाषा में उस व्यक्ति को नहीं समझाएंगे तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो कल गलती कल की स्ट्रेटेजी में यह भी हुई कि वो टोका टोकी में जो बाइडेन भी थे शामिल, और जो बाइडेन को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो टोका टोकी के माहिर तो ट्रंप है, आप उनके उस पे जाएंगे तो आपको लाभ नहीं है। अगले डिबेट में उन्हें अपनी ओर से ये बोल देना चाहिए कि 2 मिनट और 2 मिनट मैं चुप रहूंगा और ट्रंप साहब अपनी बात करेंगे, और अपनी बात बोलने से पहले नेटवर्क के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ें कि अगले 120 सेकंड मेरे हैं, इस बीच में ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोलेगा, और अगर बोलेगा तो इस व्यक्ति को म्यूट करने की जिम्मेदारी आपकी। क्या आपको लगता है कि इस तरह का आक्रामक रवैया ट्रंप का बाइडेन की उस छवि को और कमजोर करता है जो बनी हुई है? मतलब वो बहुत वोकल नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, इस तरह की एक छवि बनाने की कोशिश उनकी हुई थी, और अगर इस डिबेट में इस तरह से वो अगर करेंगे तो वो छवि और मजबूत होती जाएगी। देखिए, हंसी मजाक में ही कहा जाए, लेकिन एक कॉलमनिस्ट ने तो आज ये तक लिखा कि ट्रंप ने बाइडेन के ऊपर आक्रमण कर करके एक्सपेक्टेशन इतना नीचे कर दिया है इस चीज के ऊपर कि ट्रंप कि बाइडेन 90 मिनट तक अगर जगे भी रह जाए तो भी वो अलर्ट लगेंगे। लोगों की एक्सपेक्टेशन का लेवल इतना बाइडेन से कम है अलर्टनेस के मामले में, ऐसा उन्होंने हंसी मजाक में ही लिखा होगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन
इतना तय है कि जो भी उनके स्ट्रेटेजिस्ट थे शायद इस छवि को लड़ने के लिए उन्होंने शायद बाइडेन को तैयार किया था कि वो ज्यादा एग्रेसिव नजर आए, वो भी ट्रंप को दो चार बार टोके अच्छे से और इस तरीके की बात बोले तो इससे उनकी अलर्टनेस दिखाई देगी शायद, या वो ज्यादा आक्रामक भी दिखाई देंगे, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाले अंदाज में वो जाके लड़े। मुझे लगता है कि जो बीच का अनडिसाइडेड वोटर है अब अमेरिका में मुकेश जी, वो ऑफेंस वाला नहीं है। अगर वो ऑफेंस वाला वोटर होता तो कब का ट्रंप साहब के खाते में जाके बैठ चुका होता। ये वो वोटर है जो अब समझदारी और कंटेंट के साथ में शायद 10% के आसपास है। अगर आप नेटवर्क्स की रेटिंग भी मान लीजिए कि जिसमें जो 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 नेटवर्क कह रहे हैं कि बाइडन की लीड दहाई तक है, मानिए बाइडन की लीड दहाई तक भी जिनकी मान लें, वहां पे भी आप पाएंगे कि वो 50% और 40% का कहा जा रहा है। इसका मतलब 10% अमेरिका अभी भी ऐसा है जिसने अपना मन नहीं बनाया। अब अगर उस 10% को आपको मुद्दों के ऊपर बात करनी है तो बाइडन साहब को ये बात करनी पड़ेगी कि क्या कारण है कि इतने खराब प्रेसिडेंट के बावजूद भी ये 10% लोग खुल के डेमोक्रेट्स के साथ में आने को राजी नहीं। इससे देखिए, जिसे कहते हैं, अगर मैं व्यक्तिगत एक वोटर के तौर, मैं वोटर नहीं हूं वहां का, लेकिन एक इंसान के नाते मैं बोलूं तो फ्रॉम अ हाई ऑफ ओबामा टू लो ऑफ ट्रंप, इससे ज्यादा बड़ा कंट्रास्ट किसी भी डेमोक्रेसी के लिए नहीं हो सकता था अगर मैं बोलूं उस तरीके से। लेकिन उतने हाई और लो के कंट्रास्ट के बाद में भी अगर 10% लोग खुल के डेमोक्रेट्स, ये तो स्वीप होना चाहिए था ऐसा, जिसमें 60-40 का होना चाहिए था, इतनी बुरी तरह स्वीप होनी चाहिए थी कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को एक भी राज्य ना मिले वो टेक्सास भी हार जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है मुकेश जी, ऐसा नहीं हो रहा है। तो डेमोक्रेट्स को ये समझना पड़ेगा कि कुछ मुद्दों के ऊपर, कुछ जगहों पे उनकी जो कई सारी हटवारिताएं उनकी भी है एक्सट्रीमिटी की, उनको उस पेडेस्टल से नीचे आना पड़ेगा। लोगों की जिंदगी के जो 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 उनके मसले हैं, जिंदगी से ज्यादा कहूं आइडियोलॉजिकल मसले भी मान लीजिए, कि जिन चीजों को वो लोग घबराते हैं उस चीजों पे उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा कि देखिए ये ऐसा नहीं है। आप जिस नाते भी हमसे नाराज हैं, हम बात करने को राजी हैं, लेकिन कम से कम इस बात पे तो राजी होइए कि ये इंसान ठीक नहीं है देश के लिए। तो लिबरल वहां के जो कैंपेन है मुकेश जी, उसमें या कहें हर जगह का एक समस्या ये रहती है कि वो इतना हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं जिसमें उसके बाद में इलेक्टोरेट से ये संदेश एक तरह से जाता है, आप अगर हमारी बात से सहमत नहीं है तो आप तो बात करने लायक भी नहीं, या आप तो लिबरल है ही नहीं, और या फिर अब यह है कि अगर तो आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो अब आप पूरी तरह से ट्रंप हैं। और इसके उलट अगर ट्रंप की स्ट्रेटजी को देखें तो वो किसी भी चीज पर पर्दा डालने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब आप देखिए कि सुप्रीमेसिस्ट वो जो भावना है उसको भी उन्होंने यहाँ पर डिफेंड किया, उन्होंने इनकार नहीं किया। जब एंकर ने उनसे सवाल किया तो ये गोरे श्रेष्ठ हैं इस बिल्कुल, तो उन्होंने नकारा नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो लाइन बोली वो डंके की चोट पे बोली मुकेश जी, स्टैंड बैक एंड स्टैंड बाय, ये एक तरह से वहां की वॉर क्राय है उन लोगों के लिए कि आप पीछे रहिए लेकिन खड़े रहिए, पीछे होके शांत मत बैठ जाइए, स्टैंड बैक एंड स्टैंड बाय। इससे ज्यादा खुले तौर पर वो इंसान डंके की चोट पर नहीं कह सकता था, उसने कह दिया। अब सवाल यह है कि ठीक है, मान लिया 40% अमेरिका आज की तारीख में उस सुप्रीमेसिस्ट वाले माइंडसेट, रेसिस्ट माइंडसेट जो भी आप कह लीजिए वो हो गया, 60%, लेकिन नंबर डेमोक्रेट्स को नहीं जा रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और अगर नहीं जा रहे हैं तो जो भी 10-15% सेंट्रिस्ट आप कह ले, जो 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 राइटिंग राइट विंग सुप्रीमेसिस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो सेंट्रिस्ट या लेफ्ट ऑफ सेंटर नहीं हो रहे हैं डेमोक्रेट्स की ओर, तो वहां पे कैंपेन का जो तरीका ये प्रीचिंग मोड वाला कि क्लब कर दें कि अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो आप तो ध्वस्त हैं, आप तो वाहियात इंसान हैं, ये जो कैंपेन का एक नोशन है ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट करना पड़ेगा।
ओबामा की सबसे बड़ी खासियत ये थी, ओबामा ने कभी भी जजमेंटल होके कैंपेन नहीं किया, कभी भी नहीं किया, जबकि वो अश्वेत थे। वो चाहते तो अपने अश्वेत होने वाले मसले के ऊपर और भी ज्यादा तगड़े तरीके से कैंपेन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो ये डेमोक्रेट्स का जो जजमेंटल कैंपेन है, जो डिस्कोर्स का है तरीका, वो उन्हें मध्यम करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप बनने की जरूरत नहीं है, जो बाइडेन को ओबामा ज्यादा बनने की जरूरत है। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप बन के कोशिश करेंगे डिबेट्स और ये लड़ाई लड़ने की, तो हार जाएंगे। अगर वो ओबामा बन करके लंबी लाइन खींचेंगे, तो मुझे लगता है कि इस समय जो जो भी अनिश्चित मतदाता है बीच में 10-15% जो मन नहीं बना पा रहा है, उसको अगर ये इम्पेंडिंग संकट दिखेगा कि ये इंसान हम सहमत है कि ठीक नहीं है, और हम हो सकता है डेमोक्रेट से भी सहमत ना हो, लेकिन इस समय इस इंसान का हारना ज्यादा जरूरी है, तब वो बाहर निकलेगा, तब वो कैंपेन में ज्यादा निकलेगा। अदरवाइज ये संकट हमेशा इस चुनाव में रहेगा मुकेश जी, कि 40% लोगों का 90% वोट डालने बाहर आएगा, और 60% लोगों का 50% वोट डालने बाहर आएगा, या 60%, तो टर्नआउट के फैक्टर के ऊपर मामला बिगड़ जाएगा डेमोक्रेट्स के लिए। लेकिन यशवंत जी, ये बताइए कि ट्रंप की ये जो घबराहट है पोस्टल बैलेट्स को लेकर, जिस तरह से चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर ट्रंप के अंदर बौखलाहट भी है, घबराहट भी है, और वो इस डिबेट में भी दिखी, और उसके बाद उन्होंने ये संकेत फिर से दोबारा दे दिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और तमाम तरह के उसमें पंगे आएंगे, और वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका क्या संदेश जा रहा है? उनका अपना जो मतदाता है उसके पास तो सीधा संदेश जा रहा है, ठीक है कि ये तो बिल्कुल सही जा रहे हैं ट्रंप, लेकिन जो बाकी जिनकी बात कर रहे हैं आप, स्विंग वोटर्स की, उन पर उनको क्या असर पड़ेगा उसका? देखिये मुकेश जी, आपको याद होगा कि हमने अमेरिकी चुनाव की धांधलियों के ऊपर जो दो एपिसोड किए थे, उसमें हमने बहुत क्लियरली बताया था कि किस तरीके से अल्पसंख्यक मतदाताओं के वोट ना निकले या वोट कम पड़े, इसके लिए एक सिस्टमेटिक धांधली खासतौर पर रिपब्लिकन राज्यों में जबरदस्त होती रही, और टर्नआउट वहां पर अश्वेत मतदाताओं का खासतौर पे काफी कम रहा है। भारतीयों का टर्नआउट ज्यादा रहा है, लेकिन अश्वेत मतदाताओं का कम रहा है, लेटिनोस का और भी ज्यादा कम रहा है। अब इस पूरे गेम में अगर पोस्टल बैलेट आ गए मुकेश जी, सबके घर में ही अगर वोट पहुंच गया, तो स्वाभाविक सी बात है वो टर्नआउट बढ़ेगा, जो ट्रंप के लिए अच्छा नहीं है, रिपब्लिकन के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए वो लोग इतना जोर दे करके जो है इस पोस्टल बैलेट का विरोध कर। अब इसमें चूंकि विरोध हो रहा है और पोस्टल बैलेट फिर भी होना लगभग अवश्यंभावी दिखाई दे रहा है, सारे लोग करेंगे इस पूरी चीज में, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि पोस्टल बैलेट के ऊपर इतना हल्ला मचाओ कि वोट डालने वाले थोड़ा सा एक तो डरें कि भाई पोस्टल बैलेट से बेहतर है कि हम जाके लाइन में लग के वोट डालें, एक तो ये कि पता नहीं हमारा वोट बाद में काउंट हो ना हो, एक ये तो भ्रम पैदा करना। दूसरा मुझे एक लगता है मुकेश जी कि जो उनके खुद के मतदाता है, डोनाल्ड ट्रंप शायद नहीं चाहते कि उनके मतदाता भी पोस्टल बैलेट डालें, उसका कारण है मुकेश जी, अगर तो वो पोस्टल बैलेट्स को कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं, एक देखिए एक बहुत सीधा सा लॉजिस्टिक आपको बताता हूं, पोस्टल बैलेट 4 तारीख की 3 की रात तक जितने भी आएंगे वो रखे जाएंगे, 4 तारीख को वोट पड़ेगा जो बहुत सारे राज्यों में, तो 4 तारीख के भी जो पोस्टल बैलेट आएंगे वो भी रखे जाएंगे, एक तो ये मसला है, यानी वोटों की काउंटिंग 4 तारीख की रात को शुरू होगी पोस्टल बैलेट वाले हाथ वाले वोट, है ना, लेकिन हाथ वाले वोटों से पहले जो उस दिन के वोट पड़े हैं उनकी काउंटिंग होगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे वहां पर भी ये एक अपने आप एक गलत भ्रम है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अमेरिका में यूज नहीं होता, अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं, बहुत सारी जगहों पर जिसे आप कहते हैं स्कैन शीट वाले वोट भी यूज होते हैं, यानी आपने वोट किया और आप जब मतपेटी में डालते हैं तो मतपेटी में वो स्कैनर की तरह से ही जाता है, वो एक तरह से वोट काउंट होते हुए ही जाता है, तो जो आप चुनाव बूथ में वोट डालेंगे उनकी काउंटिंग पहले होगी, उनके रिजल्ट्स पहले आएंगे। अब सपोज कीजिए
90% डेमोक्रेट्स ने पोस्टल बैलेट डाला, मैं एक फर्ज करने को कह रहा हूं, और 90% रिपब्लिकन ने अगर उस दिन वोट लाइन में लग के डाला, तो जब वोटों की काउंटिंग शुरू होगी तो पहले रिपब्लिकन एक तरह से वोट काउंट होंगे, और उस काउंटिंग के आधार पर पूरे उसमें माहौल बनेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अधिकतर राज्यों में आगे हैं, और जब अधिकतर राज्यों में आगे होने के बाद में पोस्टल बैलेट काउंट शुरू होंगे तब वो लीड कम होनी शुरू होगी, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप हल्ला मचाएंगे कि पोस्टल बैलेट में दादली हो, और मामला कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में मामला जाएगा तो उस समय कोर्ट ये फैसला देती है कि पोस्टल बैलेट्स को काउंट किया जाए, या ये फैसला देती है पोस्टल बैलेट्स को काउंट ना किया जाए, या प्रोविजनल। इस पूरी जिसे कहते रहते हैं आपाधापी में महीनों निकल सकते हैं, और उस कोर्ट का डिसीजन क्या होगा ये पता नहीं, और सुप्रीम कोर्ट 5-4 के बजाय 6-3 होने की पूरी संभावना है। इस नाते ये मामला काफी हद तक खिचपिच, तनावपूर्ण और गंद होने वाला है। गंदगी से केवल एक ही तरीके से ये बच सकता है मुकेश जी, वो ये कि कुछ ऐसा चमत्कारी तरीके से लाइन में लगने वाले वोटों की बहुतायत, उस दिन 4 तारीख वाले वोटों की बहुतायत अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के विरोध में हुई, और डोनाल्ड ट्रंप साहब काउंटिंग के शुरुआत में ही पूरे उसमें पीछे दिखाई दिए, तो मामला सील हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एकतरफा हारना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं ये बिना गंदगी के ये इलेक्शन रिजल्ट निकले। डोनाल्ड ट्रंप अगर बराबरी की लड़ाई में, डेमोक्रेट इसकी तैयारी कर रहे होंगे, डेमोक्रेट ने भी इसके बारे में सोचा होगा, और वो भी इस तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने भी कोई स्ट्रेटजी तो बनाई ही होगी, ट्रंप अगर इस तरह से चलना चाह रहे हैं तो उन्होंने भी सोचा होगा इसकी काट क्या हो, और अपने मतदाताओं को कैसे इस तरह से वोट करवाया जाए कि जो ये शुरुआती लीड की आप बात कर रहे हैं वो उन्हें प्राप्त ना हो, और उसके आधार पर वो पोस्टल बैलेट रिलीज न करें। लेकिन ये तो तय है कि आने वाली डिबेट में भी ट्रंप इस मुद्दे को उठाएंगे और इस पर ज्यादा इम्फेसिस देंगे, ताकि इस बारे में बनी जो अनिश्चितता है वो और बढ़ती चली जाए। ये साफ है, ये बिल्कुल साफ है। अब इस समय ट्रंप पोस्टल वोट को भयंकर मुद्दा बनाएंगे। ट्रंप लास्ट में आते आते एक तो चीन वाले मुद्दे को जबरदस्त उछालेंगे, बाइडन के बेटे के जो यूक्रेन वाला मसला था और बाकी मसले थे उसको उछालेंगे, और साथ ही साथ वो एंटीफा वाले जो आंदोलन के की जो स्वरूप बन गया था उसको खूब उछालेंगे, क्योंकि कल आपने देखा होगा जिस तरह से दो जगहों पे जो बाइडन भी जवाब देने से कतरा रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि उस चीज के ऊपर जवाब देने का मतलब ये है कि प्रो एंटीफा के जो मतदाता हैं वो उनके कोर वोट हैं, वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन एक मेरा अपना मानना है कि जो एक साइलेंट वोटर मध्यम है, जो बीच में शायद अनिश्चित होगा, जो अश्वेतों के प्रति सहानुभूति रखता है, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के अगेंस्ट है, लेकिन वो एंटीफा के नाम पर हो रही तोड़फोड़ या उस तरीके की जाति को अप्रिशिएट नहीं करता, और अश्वेत आंदोलन के नाम पर कुछ भी किसी भी तरीके की तोड़फोड़ की जाए इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। यही वो महीन महीन चीजें हैं जहां पर डेमोक्रेट्स को बहुत क्लियरली बोलना पड़ेगा कि हम ब्लैक लाइफ मैटर्स के साथ में हैं, लेकिन हम उपद्रवी तत्वों के साथ में नहीं हैं। ये इसमें जिस तरीके से व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को बोलने से ट्रंप ने मना कर दिया, कहीं वही स्थिति डेमोक्रेट्स की है, जो बाइडन की भी है, कि वो सीधे सपाट शब्दों में एंटीफा के एक्सट्रीमिस्ट हिस्से को वो भी क्या कहते हैं एक तरह से मना नहीं कर पाए कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट वी स्टैंड फॉर, आपको आंदोलन करना है तो आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये वो ग्रे एरिया है, मुझे लगता है कि कोई भी, और ये इसमें कोई अमेरिकी मतदाताओं की बात नहीं कर रहे मुकेश जी, कोई भी सभ्य सुशिक्षित सोचने लिखने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, आपसे भी मैं पूछूंगा, अगर आप अमेरिकी नागरिक होते आप कहते कि नहीं अश्वेतों के साथ में गलत हो रहा है, ये जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं ये गलत कर रहे हैं, जाहिर है कि आप भी कहेंगे, लेकिन जो तोड़फोड़ आपने देखी उसकी आप भी निंदा करेंगे कि ये तोड़फोड़ ठीक नहीं,
और तोड़फोड़ की निंदा जैसे होनी चाहिए वो अगर नहीं होगी तो ये बात आपको भी अकड़े जी। तो मुझे लगता है इन जगहों पर अपनी शैकल्स को, अपने बंधनों को छोड़ करके डेमोक्रेट्स को थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, बाइडेन को और उनके कैंपेन को, कि वो उस शांत मतदाता की उन जिसे कहें पूर्वाग्रह नहीं कहना चाहिए, उन शंकाओं को, चिंताएं, पूर्वाग्रह नहीं कहूंगा, उन शंकाओं को बोले कि नहीं आपकी बात हम समझते हैं और हम ये बात मानते हैं, और अगर वैसा करने में कामयाब हो गए तो ट्रंप साहब के पास में उसका उत्तर नहीं होगा जी। तो कल जो जैसे जो लाइन अंत में मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस डिबेट के आधार पर दोनों को आप 10 में से कितने कितने नंबर दे रहे हैं, और अगले राउंड की डिबेट में कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर मैदान में उतर सकता है? कठिन सवाल है, क्योंकि नंबर देने का तरीका उसमें यह है कि ट्रंप साहब ने जो किया वो उनसे अपेक्षित था, मतलब वो अपना पार्ट प्ले कर रहे थे, इसलिए उसमें मैं क्या नंबर काटूं या नंबर दूं, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। बाइडेन साहब से जो अपेक्षित था उन्होंने पोस्टर के नजरिए से कि मतदाताओं को किसने कितना प्रभावित किया उस पैरामीटर पर, मुझे लगता है कि बाइडेन साहब ज्यादा बेहतर लगे मुझे वैसे, लेकिन मुझे इसमें कमी लगा नजर आई कि साइलेंट वोटर को या अनडिसाइडेड वोटर को बाइडेन साहब भी खींच पाए ये मुझे नहीं लग रहा है। ट्रंप साहब मुझे लगता है कि इस इरादे से आए ही नहीं थे पहले डिबेट में कि उन्हें साइलेंट वोटर को खींचना है। पहली डिबेट में वो केवल और केवल अपने जो समर्थक हैं केवल उनकी ताली बजवाने आए थे और वो ताली बजवा करके निकल गए। अब दूसरी डिबेट और तीसरी डिबेट तक आते आते इस साइलेंट वोटर को, बीच का जो वोटर है 10-12% 15% का, इसको इन दोनों को ही नजर देखना पड़ेगा और कैसी इसमें स्ट्रेटेजी होगी सेकेंड डिबेट में समझ में आ जाएगा। तो पहला मैच ड्रॉ बता रहे हैं आप मोटे तौर पर? मेरे हिसाब से पहला मैच ड्रॉ है, पहला ड्रॉ है। अब अगले मैच में उतरने की ज्यादा तैयारियों की जरूरत पड़ेगी दोनों कैंडिडेट को, क्योंकि अब हो सकता है कि उतना दक्षिणपंथी एंकर ना हो, क्योंकि पहली डिबेट में था तो अब अगर मध्य मार्गी हुआ तो वो जो सुविधा ट्रंप साहब को अभी मिल गई थी वो राउंड में ना मिले, तो वो भी उनको ख्याल रखना पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, धन्यवाद। बहुत ही दिलचस्प चर्चा है और दिलचस्प चुनाव होता जा रहा है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारे चुनाव में जो गंध फैलती है ऐसा नहीं है कि अमेरिका में वो गंध नहीं है, वो तो बिखरी पड़ी है और राष्ट्रीय तो से निकल रही है। वहां पे पोस्टल बैलेट्स की खरीद फरोख्त की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के खत्म होते होते बिहार हम लोगों को स्वर्ग लगने लगे। अभी आप देखते बिल्कुल सही सही बात। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।